और ओवैसी ने बिहार में किसके साथ गठबंधन किया। वाराणसी में हनुमान भक्तों के लिए खुशखबरी, बाइक सवार हुड़दंगियों ने कहा मचाया उत्पात। राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें आप देख लेते हैं टॉप नाइन राज्य में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ गठबंधन किया। पटना में गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी और देवेंद्र यादव ने कहा कि दोनों दल मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हनुमान जी के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। काशी विश्वनाथ के साथ ही काल भैरव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पहले ही खोल दिया गया था। करीब 6 महीने से संकट मोचन मंदिर बंद था। बिहार में कैनाल मैन के नाम से मशहूर लौंगी भुइया को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने खेती करने के लिए ट्रैक्टर दिया है। ट्रैक्टर मिलने पर लौंगी भुइया ने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। लौंगी भुइया ने 30 साल तक लगातार मेहनत करके 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई है। लौंगी भुइया ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे कोई मेडल नहीं, ट्रैक्टर चाहिए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में दर्जन भर से ज्यादा बाइक सवार हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार लगातार स्टंटबाजी कर रहे थे और सबसे बड़ी बात, इस स्टंटबाजी के दौरान किसी भी शख्स ने हेलमेट तक नहीं लगाया हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर थाने में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मौका था पशुओं की सुपुर्दगी का। आप देख सकते हैं कि यहां के SO साहब किस तरह बिना मास्क के लोगों के बीच कागजी काम कर रहे हैं। चारों तरफ लोगों का मजमा लगा है, लेकिन क्या मजाल जो किसी ने मास्क ही लगाया हो या फिर दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर बैठे हों। मुंबई के पनवेल में प्रेमी को उधार दिए पैसे मांगना प्रेमिका को भारी पड़ गया। पैसे मांगने से प्रेमी इतना आग बबूला हो गया कि प्रेमिका की धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को रस्सियों से बांधकर मोरबी डैम में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इथोपिया से आ रही 670 ग्राम कोकीन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर ने कपड़े के बीच कोकीन को इस तरह छिपा रखा था कि जैसे कि ये टेलरिंग के लिए सैंपल रखा गया हो। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये कोकीन इथोपिया से लाकर दिल्ली में सप्लाई किए जाने वाले हैं। यूपी के बदायूं से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बेटे की चाहत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का पेट फाड़ दिया। आरोपी देखना चाहता था कि पेट में पल रहा भ्रूण बेटा है या बेटी। महिला को गंभीर हालत में बरेली रेफर कर दिया गया। ससुराल वालों ने बताया कि आरोपी की 5 बेटियां हैं और बेटे की चाहत में उसने इस नृशंस वारदात को अंजाम दिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक प्राइवेट कॉलेज के कुछ छात्रों ने आपदा को अवसर में बदलते हुए एक ऐसी ई बाइक का निर्माण किया है जो 30 किलोमीटर तक मात्र 1.20 रुपए के खर्च में चल सकती है। हालांकि छात्रों ने कहा कि अभी इसमें कुछ काम करना बाकी है। हम बाइक का वजन घटाने की और रेंज बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,